सावधान, फिर लौट आया कोरोना। कोरोना का प्रहार, अलर्ट रहना इस बार। कोरोना की नए वेरिएंट ने दी टेंशन। JN.1 वेरिएंट कितना खतरनाक। अस्पतालों में सभी बंदोबस्त दुरुस्त किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट फिर से चालू हो गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात फिर ना बने, इसके लिए पूरे देश का हेल्थ सिस्टम हरकत में आ गया है। कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। गाजियाबाद में 8 महीने बाद कोरोना की एंट्री। बीजेपी पार्षद कोरोना संक्रमित किए गए होम क्वारंटीन। एंटीजन और RT-PCR रिपोर्ट आई पॉजिटिव। परिवार के सदस्यों की भी हुई जांच। लंबे समय बाद गाजियाबाद के अंदर कोविड पॉजिटिव मरीज पाया गया है। ऐसे में पूरे गाजियाबाद के अंदर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है। खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट MMG हॉस्पिटल के CMO डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, नया वेरियंट JN.1 जो कोविड का सेकेंड वेरियंट बताया जा रहा है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बताया गया है। क्या लग रहा है सर, इसको लेकर क्या तैयारियाँ हॉस्पिटल में की गई हैं? नमस्कार। कोविड को लेकर तैयारी स्टार्ट कर दी गई है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजन, भीड़ से दूर रहना, ये निर्देश सबको जारी कर दिए गए हर कर्मचारी को। और ऊपरी सब जगह पैम्पलेट लगा दिए गए जिससे मरीज सजग हो जाएं। फीवर हेल्प डेस्क, कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई है। तक एक केस कहें कि गाजियाबाद में देखने को मिला है, काफी लंबे समय बाद एक केस पॉजिटिव है। रोजाना सर कितने पेशेंट की जाँच की जा रही है कोविड की, अगर गाजियाबाद जिले हॉस्पिटल की बात करें? 60 से 70 के बीच डेली। ये थे हमारे साथ के गाजियाबाद CMS जिला MG हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी, जिन्होंने बताया कि सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही जितने भी मरीज संदिग्ध मिल रहे हैं, चाहे वो बुखार से हों या खांसी जुखाम के हों, उन सब की RT-PCR या एंटीजन जांच कराई जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। कोरोना के नए वेरियंट JN.1 ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। ये अभी हम जो है पिछले जो है एक महीने में हमने कोविड मॉक ड्रिल अभी की थी, लास्ट मंथ नवंबर में हमने की थी, तो तैयारी हमारी पूरी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की उससे आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। देश में कोरोना के केस एक बार फिर सामने आना शुरू हो गए। नोएडा में मौजूद है, नोएडा की आप तस्वीर देखिए, लगातार जो टेस्ट कराने वाले लोग हैं वो यहाँ जिला अस्पताल में पहुँच रहे हैं। और आज की बात की जाए तो अभी तक 17 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, कल 11 लोगों के टेस्ट किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और ये काउंटर नोएडा के जिला अस्पताल सेक्टर 39 में खोला गया है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक कोविड पॉजिटिव केस अभी सामने आया है, आज ही जिनका कल टेस्ट कराया गया था। तमाम सतर्कता बरती जा रही है और जो केस जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है उनको 56 साल के आसपास उम्र बताई जा रही है, नोएडा के ही रहने वाले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग इस बात का पता लगा रहा है कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या थी, पिछले दिनों वो कहाँ पर गए थे, और आने वाले दिनों में तमाम जो केस हैं उनको देखते हुए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश देने के साथ साथ जितनी भी CHC PHC हैं उन सब पर टेस्ट बढ़ाने के आदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। और पूरी तरीके से CMO का कहना है कि सभी लोग जागरूक रहें और सतर्कता बरतें ताकि कोरोना से अगर मामले बढ़ते हैं तो लड़ाई लड़ी जा सके। अस्पताल में जल्द ही कोविड के सभी नियमों को लागू करने और कोविड हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।